हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं डॉक्टर विक्रम, मैं इमरजेंसी कंसल्टेंट हूँ यशोदा हॉस्पिटल कौशाम्बी गाज़ियाबाद में, और हमारा क्लिनिक डेंटल केयर हेल्थ करके यहाँ पे आपका लेबर चौक में है, सेक्टर 58 नोएडा में। आज हम बात करेंगे सड़क दुर्घटना के बारे में, जिसको हम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट कहते हैं। जो ये हमारे आम जिंदगी से रिलेटेड है, हम मार्केट जाते हैं, हम ऑफिस काम करने जाते हैं, हमारी सारी लोग जाते हैं, घर पे बाहर जाते हैं, पर किसी कारण से सड़क दुर्घटना हो जाती है और लोगों की मौत हो जाती है। हिंदुस्तान में सेकंड कॉज ऑफ डेथ है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। हर 20 मिनट या आधे घंटे में एक एक्सीडेंट होता है जिसके कारण हमारी मौत हो जाती है। इसके बहुत सारे कारण हैं। लापरवाह लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, ये सब छोटे छोटे चीज़ें हैं जिससे हम बचा जा सकता है। एक हेलमेट इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा हेड इंजरी बचाता है। हेड इंजरी, ब्रेन इंजरी होने से इंसान की मौत हो जाती है, बसरते पैर में चोट लगने से। पैर में चोट लगेगा तो एक फ्रैक्चर होगा, और सर पे चोट लगेगा तो एक पूरी की पूरी सर चले जाती है, जिसके कारण हमारा पूरा ब्रेन खत्म हो जाता है और हमारा एक्सपायर हो जाते लोग। इस चीज़ को हम कैसे बचा जाए? बेसिक थिंग्स हैं, हम हेलमेट पहने, हेलमेट का जो बेल्ट है उसको हम ढंग से लगाएं, कार में यदि बैठे हैं तो कार का सीट बेल्ट लगाएं, क्योंकि सीट बेल्ट लगाने नहीं लगाने से क्या होता है कि आप हाई स्पीड में चल रहे होते हैं, बेल्ट लगा रहता है तो आप वहीं पे सीट में अटक जाते हैं, ना कि आपका चेस्ट स्टेयरिंग से लगता है और जिसके कारण हमें चेस्ट इंजुरी होता है और हार्ट में इंजुरी होता है, जिसके कारण हम मर जाते हैं। तो हमारा आज का मेन टॉपिक है, हम इससे कैसे बचा जाए। सबसे ज़्यादा मौत होती है टू व्हीलर से, क्योंकि टू व्हीलर ज़्यादातर प्रोटेक्टेड नहीं होते हैं, हाई स्पीड चलाते हैं, सड़क में गड्ढे हैं, कोई प्रोटेक्शन नहीं होता है, इतनी स्पीड रफ्तार में जा रहे होते हैं, आप भले आराम से चल रहे हो पर दूसरा वाला जो बंदा है वो आपको हिट करके चले जाता है। तो हमारा आज का यही टॉपिक है कि हम इसको कैसे बचाया जाए। और सबसे अनफॉर्चुनेट बात है कि हम एक सड़क में एक्सीडेंट हो जाता है, लोग सेल्फी ले रहे होते हैं, फोटो खींच रहे होते हैं, पर कोई भी उसे बचाता नहीं है। बचाने के बहुत सारे कारण हैं। आप उसको सड़क से लेकर हॉस्पिटल के बीच में, हमारे पास बहुत समय होता है जिसमें हम लोगों को की जान बचा सकते हैं। तो हम आज इसी बारे में, इसी विषय पर हम बात करेंगे कि हम कैसे लोगों की जान को बचाया जाए। नंबर वन, फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि मान लीजिए हमारे पास कोई भी बंदा है जो सड़क पर गिरा हुआ है, हमें सबसे पहले उसे सीन सेफ्टी देखना होता है। सीन सेफ्टी मतलब कि यदि एक्सीडेंट हो गई है तो कहीं पेट्रोल तो नहीं है, इनफ्लेमेबल चीज़ तो नहीं है, आग तो नहीं लग जाएगी, सड़क गर्म है तो जिसके कारण स्किन तो नहीं जल जाएगा। हमें सीन सेफ्टी देखना है। सबसे पहले कांच गिरा हुआ है, कांच से इंजरी हो सकता है, सीन सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। ये कोई भी इंसान कर सकता है, इसके लिए कोई टेक्निकल चीज़ नहीं चाहिए। आपके कांच है, कोई चीज़ लगा हुआ है, उसको आप कर लीजिए। सबसे पहले देखिए कि बंदा सही है कि नहीं, उसको आप अलर्ट कीजिए, भाई साहब आप ठीक हो? यदि वो बोलेगा हाँ मैं ठीक हूँ, तब आप समझ जाइए कि हाँ लाइफ थ्रेटनिंग से रिलेटेड नहीं है। कोई बंदा बोला कि हाँ भाई मेरे हाथ में इंजरी है, आपको कुछ नहीं करना है। जहाँ पे सूजन आपको दिखे, जहाँ पे टच करने से लगे कि हाँ यहाँ पे चोट है, आपको कुछ नहीं करना है। कोई भी एक लकड़ी का तख्ता होता है या कूट का तख्ता होता है, उसको बेस लेके आप एक पट्टी से बांध दीजिए, रुमाल से बांध दीजिए, तो एटलीस्ट जो फ्रैक्चर होगा वो वहीं पर ठहर जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ है, कहीं से ब्लीडिंग हो रहा है, मान लीजिए हाथ में यहाँ पे कट गया है, आपको यहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, उसको बंद करके 2-10 मिनट 5 मिनट तक के लिए रुकना, ब्लीडिंग रुक जाएगी, नहीं तो इंसान वो ब्लड निकलते निकलते ही मर जाएगा, वो शॉक में चले जाएगा। हमारे शरीर में 5 लीटर ब्लड होता है, यदि मान लीजिए 1 लीटर ब्लड के करीब लॉस हो गया, मेजर लॉस हो जाता है, बड़े बड़े बोन फ्रैक्चर हो जाते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा मेजर लॉस होता है, पैर की बड़ी हड्डियाँ हैं उसमें बहुत ज़्यादा 20-30% ब्लड हमारा लॉस होता है। इस चीज़ को हम बचा सकते हैं। यदि वाइल्ड ट्रेवलिंग सबसे ज़्यादा मौत होती है, आप जब तक एम्बुलेंस का इंतज़ार कीजिएगा तब तक मरीज़ वहाँ पे ख़त्म भी हो सकता है, पर वहाँ पे लोग जो तमाशा देखते हैं, तमाशा ना देखें, एटलीस्ट कुछ हेल्प करें, किसी की मदद करें। सबसे पहली बात आपको देखना है, दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक, पेशेंट का कहाँ से जहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है उसको आपको रोकना है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ से ब्लड निकल रही है उस जगह को आप रोक लिए, फ्रैक्चर हो गया उस जगह को आप बेस बना दिए। हम इंतज़ार करेंगे पेशेंट का, एम्बुलेंस आने का,
यदि एम्बुलेंस में पेशेंट शिफ्ट हो रहा है, उसके साथ कोई अटेंडेंट है, कोई फैमिली मेंबर है जिनको गंभीर चोट नहीं लगी है, उनके साथ जा रहे हैं, आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो भी मेडिकल टीम, फर्स्ट मेडिकल टीम आपके पास आई है एम्बुलेंस में, कि भैया इसको यहाँ यहाँ चोट लगा हुआ है, तो एम्बुलेंस के कर्मचारी जो रहते हैं वो आपको बताएंगे। वो सबसे पहले आपको एक हाथ में कैनुला लगाएंगे, फ्लूइड आपको देंगे। फ्लूइड देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सीडेंट में सबसे ज़्यादा जो मौतें होती है वो शॉक से होती है। शॉक मतलब हेमरेजिक शॉक, यानी कि ब्लड लॉस के कारण जो शॉक हो जाती है, जिसमें पेशेंट की जान जा सकती है। तो हमें सबसे पहले काम करना है उसको फ्लूइड लगाना है। फ्लूइड आप लगा दीजिएगा तो एटलीस्ट उनका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा। ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा तो इंसान की शॉक में जाने की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है। जब तक वो टर्शियरी सेंटर पे पहुंचेगा या सेकेंडरी सेंटर में पहुंचेगा या किसी हॉस्पिटल में पहुंचेगा जहां पे उसका इलाज होगी। दूसरे बात, सबसे पहले हम उसको और दूसरा चीज़ देखना, पहले बात तो हमने ब्लड को रोक दिया, ब्लड का रिप्लेस कर दिया, उसके बाद हम उसका GCS देखेंगे। GCS सही है कि नहीं, बोल तो रहा है कि नहीं, सही से बात तो कर रहा है कि नहीं। इसके बाद हम देखेंगे कि यदि मान लीजिए कोई पेशेंट बीओसी हालत में है, हम उससे पूछेंगे कि भैया सही हो, वो यदि कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा, फिर हम आपको चेक करना है उसका एयरवे सही है कि नहीं, बंदा सांस ले रहा है कि नहीं, आपको कान बगल में ला के सुनना है कि हाँ सांस की सांसें चल रही है कि नहीं चल रही है, एयरवे। फिर आता है आपका सर्कुलेशन, आपको उसको पल्स को पकड़ना है, रेडियल पल्स को पकड़िए या यहाँ पे फील कीजिए कि उसका पल्स चल रहा है कि नहीं। यदि मान लीजिए पल्स चल रहा है तो यानी कि पेशेंट की जान है। यदि मान लीजिए पेशेंट का पल्स भी नहीं चल रहा है, ब्रीदिंग भी नहीं हो रहा, आपको उनको चेस्ट कंप्रेशन देना है। चेस्ट कंप्रेशन देने से यहाँ पे रीढ़ की हड्डी के बीच में आप थोड़ा सा कंप्रेशन दीजिएगा तो शायद किसी की जिंदगी होगी तो बच जाएगा। दूसरा चीज, यदि बंदा सांस नहीं ठीक से ले पा रहा है, ब्रीदिंग नहीं है, तो आपको मुंह खोल के देखना है कहीं मुंह में कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है जिसके कारण वो ब्रीद नहीं कर पा रहा। यदि कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, क्योंकि एक्सीडेंट में पता नहीं चलता है मुंह में कहाँ गया, मुंह का आप ऑब्स्ट्रक्शन निकालिएगा, बंदा सांस लेने लग जाएगा। ये बेसिक थिंग्स हैं, इससे इंसान की जान बच सकती है, बशर्ते हम हाई फाई फोटो खींचना, ये खींचना वो खींचना, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। मैं कोई मेडिकल टेक्निकल टर्म्स नहीं बात कर रहा हूँ, एकदम बेसिक थिंग्स बात कर रहा हूँ। ब्लीडिंग रोकने, लोग के पास दुपट्टा होता है, लोग के पास रुमाल होते हैं, लोग के पास कुछ भी चीज़ होता है, आप किसी चीज़ से बांध दीजिए, इंतजार मत कीजिए बैंडेज का। अरे जब तक बैंडेज आएगा तब तक उसका इतना ब्लड लॉस हो चुका होगा कि पेशेंट मर जाएगा। व्हाट इज़ द यूज़? सबसे पहले वो बेसिक थिंग्स कीजिए, हड्डी को बचाइए। इंसान सांस ले रहा है, ब्रीदिंग ले रहा है, आप फिर इसके बाद जैसे एम्बुलेंस आ जाती है, एम्बुलेंस आने के बाद सीधे नियरेस्ट हॉस्पिटल में गए। हॉस्पिटल में वहाँ पर डॉक्टर की टीम होती है, वो सारा चीज़ केयर करती है, वो फ्रॉम हेड टू टो आपका एग्जामिनेशन करेगी। आपको सर में चोट लगा, गले में चोट लगा, छाती में लगा, पेल्विस में लगा, यूरिन बराबर आ रहा है कि नहीं, ये सब क्या है, ये सारा चीज़ उसको अच्छे से सलाह करती है, पेशेंट से डिस्कस करती है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट देती है, स्टेबलाइज करती है। जो फर्दर होता है, यदि फ्रैक्चर है तो ऑपरेशन थिएटर जाना है तो ऑपरेशन थिएटर जाएगा, यदि मान लीजिए सर में चोट लगा तो न्यूरोसर्जन देखेगा, उसको छाती में चोट लगाया तो कार्डियो वाले देखेंगे, CTVS वाले देखेंगे, कार्डियक थोरैसिक सर्जन देखेंगे, कान नाक से ब्लीडिंग हो रहा है तो ENT वाले देखेंगे, उनका एक पूरा टीम होता है, पेट में चोट लगा है तो सर्जन देखेंगे, उसका सारा अल्ट्रासाउंड होता है, CT स्कैन होता है, इसके बाद वो फर्दर ट्रीटमेंट होता है। पर हम बात कर रहे हैं प्राइमरी यदि हम रोक देंगे, यदि मान लीजिए हमने ब्लीडिंग को रोका नहीं, खून बहते रह गए, हॉस्पिटल जब तक पहुंचा तब तक उसका 1 से 2 लीटर ब्लड लॉस हो गया और पेशेंट शॉक से मर जाएगा, तो डॉक्टर भी उस समय क्या करेगा? उस समय डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा। डॉक्टर को चाहिए, हमारे जो नॉर्मल पब्लिक है उनको चाहिए कि थोड़ा सा हम बेसिक थिंग्स दे देंगे तो डॉक्टर बहुत कुछ कर सकता है, किसी की ज़िंदगी बच सकती है, किसी का घर बच सकता है, किसी का परिवार का मेन मेंबर अर्निंग मेंबर बच सकता है, तो हम उसकी एक लाइफ दे सकते हैं। आप सोचिए किसी के घर में किसी की मौत हो जाती, कितना दुख भरी चीज़ होती है। तो ये हम बेसिक थिंग्स, छोटे छोटे चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हम किसी को ज़िंदगी दे सकते हैं। अब हम ये सब चीज़ से बचा कैसे जाए, कैसे बचाव किया जा सकता है? रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बहुत घोर समस्या है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान के सड़कें तो बहुत अच्छे अच्छे लंबी बन गई, अच्छे अच्छे सुंदर सड़कें बन गए, लेकिन लोग रफ्तार से, इंसान दो ही चीज़ से मरता है, एक रफ्तार नहीं तो ड्रंक। कभी भी ड्रिंक करके गाड़ी ना चलाएं, ये बहुत ही खतरनाक होता है। आप तो मरिएगा साथ में, सामने वाले गाड़ी में बैठे हैं उसको भी जान का खतरा है और आपने किसी और को हिट किया वो भी खतरा है। So never ever drink and drive. This is my personal request to everyone. क्योंकि एक्सीडेंट होने के लिए सिर्फ 2 से 3 सेकेंड चाहिए होता है, उसी में एक्सीडेंट होता है, अनकंट्रोल हो जाता है, चले जाते हैं।
क्योंकि जब हम ड्रिंक करते हैं तो ड्रिंक करने के बाद हमारा सेंसेस है वो थोड़ा डिक्रीज हो जाता है, हमारे रिफ्लेक्सेस है वो वीक हो जाते हैं। इसी कारण से ड्रिंक एंड ड्राइव, नेवर एवर ड्राइव, आप कभी मत चलाइए गाड़ी। दूसरी बात, हाई स्पीड, स्पीड हर जगह आजकल स्पीड लिमिट लिखी हुई है, हर सड़कों पे स्पीड लिमिट लिखा हुआ है, कोई सड़क ऐसा नहीं है जहाँ पे स्पीड लिमिट, जिस हिसाब से सड़क बने उस हिसाब से स्पीड लिमिट, लेकिन उस स्पीड से आपको ओवर स्पीड नहीं करनी है। ओवर स्पीड होने से अनबैलेंस हो जाता है जिसके कारण एक्सीडेंट हो जाती है। तीन चार चीजों का प्रिकॉशन आप ध्यान रख सकते हैं। नंबर वन, ऑलवेज वेयर अ प्रॉपर हेलमेट, अच्छे ब्रांड का, ISI जिसमें लिखा रहे वो, ऐसा नहीं कि सर लगा पता चला हेलमेट ही एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट खुल गया। फीमेल्स, स्पेशली फीमेल्स, ऑलवेज वेयर हेलमेट, क्योंकि जब एक्सीडेंट होता है, टक्कर होता है, तो ये नहीं देखता है कि वो मेल है कि फीमेल है, सिर्फ सड़क पर टक्कर होगा, अंदर ब्रेन इंजरी होगा और आप कोलैप्स कर सकते हैं। यदि आप हॉस्पिटल भी पहुंच गए तो हॉस्पिटल में इतनी महंगी चीज़ें होती हैं कि उसको खर्च उठाने के लिए कितने लोगों को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो एक छोटा सा हेलमेट जो 1,000-1,500 रुपये का आता, ISI का आता, आप वो पहनिए। दूसरा नंबर चीज़, यदि मान लीजिए आप गाड़ी तेज चला रहे हैं तो आप सोच लीजिए रिस्क ऑफ एक्सीडेंट होने के ज़्यादा हैं। यदि कोई बंदा स्पीड में गाड़ी चला रहा है, कोई नॉर्मल स्पीड में चला रहा है, दोनों का डिस्टिनेशन रीचिंग सिर्फ 5 मिनट का या 2 मिनट का फर्क होता है, लेकिन चांस ऑफ एक्सीडेंट 80-90% बढ़ जाता है जो एक एवरेज स्पीड से आ रहा है, और हार्डली 2 या 3 मिनट का फर्क होता है। वो 2-3 मिनट आपको शायद 30 साल का सजा दे सकता है। तो ये इस चीज को बहुत ध्यान रखने वाली बात है। नेवर एवर डू ओवर स्पीडिंग, अल्कोहल नेवर एवर ट्राई फॉर एनीथिंग, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, डोंट ओवर स्पीड, ये एक नंबर वन प्रिकॉशन है। नंबर टू है हेलमेट पहनिए, नंबर थ्री है आप सीट बेल्ट लगाइए, नंबर फोर है कि आप ड्यूरिंग ड्राइविंग नेवर एवर ट्राई टू यूज मोबाइल, क्योंकि मोबाइल एक बहुत बड़ी चीज होती है। मोबाइल आपका दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करता है, जो आप सड़क पे कर रहे हैं उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। तो ये तीन चीज चार चीज का आप ध्यान रखिएगा तो एक्सीडेंट का जो परसेंटेज है, यदि मान लीजिए आप ये सब चीज हरकतें कर रहे हैं और आपका जो एक्सीडेंट का चांसेस 80-90% बढ़ जाता है, तो इस चीज को आप घटाइएगा तो हम शायद इसको हम परसेंटेज कम कर सकते हैं, और इससे लोगों की मौत भी कम होगी, इंसान मरेगा कम। तो ये सारी चीजें हैं, इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरा और अंतिम चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बहुत जो बेसिक थिंग्स है वो सब चीज को आप करेक्ट कीजिए, बेसिक ट्रीटमेंट दीजिए, एक इंसानियत होता है ह्यूमैनिटी वो कीजिए। आप कोई भी पेशेंट को सड़क पे मत छोड़ दीजिए, जो भी आपको नियरेस्ट जो ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, कार है, कोई भी है, जिसको भी बेसिक ट्रीटमेंट दे के आप नियरेस्ट हॉस्पिटल में शिफ्ट कराइए। जब नियरेस्ट हॉस्पिटल आप पहुंच जाते हैं कि उनके जो रिलेटिव्स हैं, फ़ोन नंबर में सारे कॉन्टैक्ट होते हैं, नियरेस्ट पर्सन को आप भुला दीजिए कि कम से कम वो आ जाएं, उनका केयर करें, क्योंकि आप तो किसी हॉस्पिटल में छोड़ के चले जाते हैं, फिर वहाँ पे प्राइमरी जो डॉक्टर्स होता है उसका केयर पता नहीं चल पाता है कि किसको बुलाना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, वो हमें कुछ नहीं पता चल पाता है, हम फॉलो अप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स तो पुलिस तो वहाँ पे रख के चले जाती है, फिर इसके बाद फर्दर कैसे चीज़ें होंगे। ये सब चीज़ें का एक आम जनता, आम नागरिक के जो राइट्स होते हैं उस चीज़ को आप ध्यान दीजिए, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है, इवन हाई कोर्ट जितने लॉ भी ये कहती है कि आप किसी भी पेशेंट को उठा के लेके आप हॉस्पिटल जाते हैं, हमने भी देखा है, हमने भी इमरजेंसी में देखा है कि पुलिस बिल्कुल पूछती नहीं है क्या है नहीं है, कोई उस पर कार्रवाई नहीं होता है, बस उसने पहुँचा दिया, वो एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि एम्बुलेंस सर्विसेज जब तक पहुँचेगा उससे फास्ट तो आप उस पेशेंट को लेके नियरेस्ट हॉस्पिटल में चले। और एक बात का ध्यान रखना होता है कि कभी भी कोई भी एक्सीडेंट होता है कि आप ये मत सोचिए कि मैं कोई बहुत बड़े अस्पताल में जाऊँगा वहाँ पर इलाज होगा, नहीं, जो भी नियरेस्ट आपके हॉस्पिटल आता है आप वहाँ पर लेके जाइए, क्योंकि जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो बहुत मायने रखता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट तो बाद में होती है, प्राइमरी ट्रीटमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो प्लीज़ ध्यान रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, और अपने और आसपास लोगों का कल्याण करें। नमस्कार, थैंक यू।